गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बनाने वाले हैं कसूरी मेथी की सब्जी। सबसे यूनिक और सबसे टेस्टी स्वाद आएगा। तो ये हमारे पास 4 से 5 मीडियम साइज़ के आलू, जो हमने इनको छील कर रख लिया हुआ है। इसके बाद इनको पतली स्लाइसों में कट करेंगे। इस टाइप से हमने कट कर लिया, कट कर पानी में कट किया जिससे कि ये काली ना पड़े। इसके बाद हमने पैन में तेल चढ़ा दिया हुआ है। जैसे तेल हमारा हीट करता है, इसमें डाल देंगे अपनी स्लाइस की हुई आलू। जब तक तेल हमारा हीट होता है, तब तक हम क्या करेंगे, ये है हमारे पास कसूरी मेथी। फ्रेंड्स, इसकी सब्ज़ी सेम सोया मेथी की जैसी बनती, बहुत हार्ड फ्लेवर होता है, बहुत ही खुशबूदार होती है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, फ़िलहाल ये साफ़ थी, मैंने फिर भी इसको चेक कर लिया है। आधा मेरे पास आधा बाउल पानी है, उस बाउल में हमने पानी ऐड किया हुआ है। नॉर्मल पानी है हमारा, गर्म पानी नहीं है, नॉर्मल पानी में ही इसको ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से भिगो देंगे, जिसमें कि 10 से 15 मिनट के लिए ये अच्छे से सोक हो जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी, जिसमें हमें पकाने में आसानी रहेगी और जलेगी नहीं और अच्छे से भीग जाएगी। अच्छा से जो फ्लेवर है वो निकल कर आएगा, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। फ्रेंड्स, अगर आपने कभी नहीं बनाई है तो कसूरी मेथी हम सब्जियों में ऐड करते हैं, पनीर में ऐड करते हैं, छोले में ऐड करते हैं, या किसी भी प्रकार की सब्जियों में ऐड करते हैं। हम पूरियां बनाते हैं, उसमें ऐड करते हैं कसूरी मेथी। तो फ्रेंड्स, आज हमने कसूरी मेथी की सब्ज़ी ही बनाई है। देखिएगा फ्रेंड्स, आप बना करके, बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑयल, हमने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया हुआ है, तो उसमें हमने डाल दिया हुआ है आलू। जब तक हमारे आलू फ्राई होती है और उधर हमारी कसूरी मेथी अच्छे से भीग जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, क्योंकि सूखी कसूरी मेथी जब पकाएंगे तो फिर जलेगी जल्दी, इसलिए हमने उसको भिगो दिया है पानी में। यहाँ पर हमने क्या करना है, हमें कोई मसाले ऐड नहीं करना है। हमने 2 से 3 कली लहसुन की ली हुई है, आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया हुआ है, 3 से 4 हरी मिर्च ली है, थोड़ा सा हमने जीरा लिया हुआ है और थोड़ा सा हमने नमक ऐड किया हुआ है। जितना आपकी सब्ज़ी में पड़ेगा उतना ही नमक हमने ऐड किया। इसके बाद हमने इसको अच्छे से कूट दिया है ओखली पे, ये देखिए अच्छे से कूट दिया। इसका जो फ्लेवर होता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर हमारे आलू फ्राई होने को हैं और हमारी यहाँ पर मेथी भी भीग चुकी है अच्छे से। ये देखिए आलू हमारी 6 से 7 मिनट में अच्छे से भीग जाती है, इसमें थोड़ा सा और अच्छे सा कलर आ जाए। इसके बाद इनको बहुत पतली नहीं करना, क्योंकि आजकल के आलू जो होती है बहुत जल्दी कुक हो जाती है। तो हल्की सी मीडियम साइज़ की स्लाइसेस की रखनी है, ये देखिए। तो इनमें एक अच्छा सा कलर आ गया है। अभी 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको और पकाने वाली हूँ, जिसमें एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए, ऊपर और अंदर से भी अच्छे से पक जाए। इसके बाद इसको मैं ट्रांसफ़र करूँगी। और मसालों में मुझे कोई भी मसाले नहीं ऐड करना है फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी बिना मसालों के ही बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पर आलू मेरी रेडी हो चुके, तो इसको कर लेती हूँ ट्रांसफ़र किसी प्लेट में। चलिए, तो इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया प्लेट में। इसके बाद जितना इसमें एक्स्ट्रा तेल, इसके बाद हम कसूरी मेथी को 2 से 3 बारी फिर से अच्छे से इसको धुल लेंगे, जिसमें अगर इसमें हल्की फुल्की डस्ट वगैरह जो भी होगी तो वो हमारी निकल जाएगी। इसके बाद में इसको फिर यहाँ पर हमने क्या किया, जो तेल एक्स्ट्रा था हमने उसी पैन में हमें सब्ज़ी बनाना है, तो इसमें तेल अभी काफ़ी है, तो इसको कम कर लूँगी ऑयल को। मुझे थोड़ा सा चाहिए क्योंकि आलू इसमें फ्राई हो चुके हैं, तो मुझे ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद हमने जो मसाले कूटे हुए थे, लहसुन, अदरक, जीरा और मिर्च, और हमने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया था, नमक उतना ही ऐड किया था जितना कि हमें सब्ज़ी में चाहिए। फ्रेंड्स, आप अगर इस टाइप से सब्ज़ी बनाते हैं कसूरी मेथी की, तो एक तो बहुत लाजवाब टेस्ट आता है, बिल्कुल यूनिक टेस्ट रहेगा। और आप जब खाएंगे तो आपको लगेगा नहीं, हमेशा आप इसको बना सकते हैं। और सोया मेथी का स्वाद, आप जो सब्ज़ी है आप हमेशा बना सकते हैं, और सोया मेथी वाला ही स्वाद रहता है और बहुत ही हाई फ्लेवर होता है, बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हमारी जो मसाले हैं जो पक चुके हैं, यहाँ पर हम डाल देंगे कसूरी मेथी को। हमने 3 से 4 बारी वॉश कर लिया था फिर से। इसके बाद इस कसूरी मेथी को मिला लेंगे मसालों में अच्छे से, जिसमें सारे मसाले आपस में अच्छे से मिल जाएं। मिलने के बाद जब मिला लेंगे, फिर डालेंगे इसमें फ्राइड किए हुए आलू। ये देखिए अच्छे से इसको मिला लेंगे। मीडियम, यहाँ पर हमने फ्लेम को मीडियम कर दिया है, क्योंकि हम ज़्यादा इसमें मॉइस्चर नहीं है, तो इससे पहले कि हमारी सब्ज़ियाँ चले, तो गैस को हमने बिल्कुल लो कर दिया है। और अब ये सब्ज़ी हमारी अच्छे से मिल गई है, ये देखिए बहुत अच्छे से मिला लिया हमने। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे आलू, और यहाँ इसमें पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि कसूरी मेथी है, बहुत छोटी छोटी सी मेथी है, और उसके बाद हमने भिगो भी दिया है, तो मसाले हमारे पहले से पके हुए थे। ये देखिए, तो अब इन्हें मिला लेंगे आलू, आलू के साथ इसको अच्छे से मिला देंगे। इस सब्ज़ी को पकने में सिर्फ 8 से 10 मिनट लगते हैं फ्राई करने में, सब पूरा मिला करके।
और आप अगर आप इस टाइप से सब्ज़ी बनाते हैं तो कसूरी मेथी को पहले से आप भिगो लें 10 से 15 मिनट के लिए पहले, और ये अच्छे से भीग जाती है, इसलिए स्वाद जो बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स। इसको बस तो ऐसे 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे और सब्ज़ी को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स। इस टाइप से अगर आपने कभी कसूरी मेथी की सब्ज़ी नहीं बनाई है तो ज़रूर बनाइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमको कमेंट करिएगा कि सब्ज़ी कैसी बनी थी। और सबसे यूनिक सब्ज़ी है, सबसे यूनिक सब्ज़ी है तो कसूरी मेथी का हम एक इस प्रकार से भी यूज़ कर सकते हैं। आप किसी को भी खिलाएंगे सब्ज़ी तो वाह वाह ही करेगा, कितनी अच्छी सब्ज़ी बनती है इसकी। ये देखिए तो फ्रेंड्स हमारी सब्ज़ी जो हो गई है रेडी, तो करूँगी मैं इसको प्लेटिंग, गैस को हमने कर दिया है ऑफ। ये देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा लास्ट में हमने डाला हुआ था धनिया पाउडर, और आधा पिंच हमने डाला हुआ था लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद हमने इसको हल्का सा चला देना है। ये देखिए अब हम करते हैं गैस को ऑफ। पहले हमने नहीं किया हुआ था तो मुझे थोड़ी सी धनिया डालना था पिसी हुई, उसका एक अलग ही फ्लेवर आता है, उसको लास्ट में ही डालिएगा नहीं तो जल जाएगी। यहाँ पर हमने कर लिया प्लेटिंग। अब आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी, देखने में भी उतनी जितनी अच्छी लग रही उतनी अच्छी खाने में भी थी। यहाँ पर हम सब्ज़ी को कर लिया प्लेटिंग। तो फ्रेंड्स इस टाइप से आप सब्ज़ी बनाइए तो हमें कमेंट्स करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा कैसी बनी सी सब्ज़ी, और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। सब्ज़ी ज़रूर बनाइएगा और बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। थैंक यू।